नमस्ते सेंटेंस, कैसे हैं आप? आपकी हॉलीडेज कैसी रही? मेरी हॉलीडेज बहुत अच्छी रही। आपकी भी अच्छी रही? जोर से बोल के बताइए। आपकी भी अच्छी रही? मेरी भी अच्छी रही। चलो, बहुत दिन हो गए हैं, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर, ठीक है? आप मेरे साथ हिंदी पढ़ेंगे। आपको हिंदी पसंद है क्या? यस, मुझे भी बहुत पसंद है। तो आइए हम हिंदी की क्लास पढ़ते हैं। अ आ ई ई हम पढ़ चुके, क ख ग घ भी पढ़ चुके। अब है मात्रा की बारी, तो उसकी आप कर लो तैयारी। तो चलिए करते हैं तैयारी। अपनी ये वाली बुक आप लेके आइए, स्वर ज्ञान, जो हमारी हिंदी की बुक है स्वर ज्ञान, आप उसे लेके आइए जल्दी से बैग से, और उसका निकालिए पेज नंबर 5, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं आ की मात्रा। आपको पता है आ की मात्रा कैसी होती है? बताइए। नहीं पता है? मुझे पता है। मैं आपको बताऊंगी कि आ की मात्रा कैसी होती है। आ की मात्रा ये होती है, आ की मात्रा किसी भी अक्षर के साथ में अगर हम इस तरह की खड़ी लाइन खींचते हैं तो वह आ की मात्रा कहलाती है। उस अक्षर के साथ आ का स्वर जुड़ जाता है। जैसे आ हम कैसे बोलते हैं, बोल के तो बताओ जरा। आ, जोर से बोल के बताओ। आ, जी हाँ, आ हम ऐसे बोलते हैं। तो देखो, अगर हम ये देखिए मेरे पास क्या है, ये है स। स हमने लगाया है ये, तो हम इसे सिर्फ स बोल रहे हैं। अब इसके साथ हम लगाते हैं आ की मात्रा। आ की मात्रा कैसी होती है? एक खड़ी लाइन स के साथ आ की मात्रा, तो ये बन गया हमारा सा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही ये है स, स के साथ आ की मात्रा सा। अब देखिए, मैंने एक नया शब्द उठाया है छ। छ के साथ में हम लगाएंगे। अब देखिए, मैं इसमें ढूंढ रही हूँ आ की मात्रा कहाँ है। देखिए, जल्दी से मिल जाओ आ की मात्रा, बच्चों को बहुत लेट हो रहा है। ये मिल गई आ की मात्रा। देखिए कैसी है, एक खड़ी लाइन छ के साथ आ की मात्रा लगाई, तो ये बन गया छा। स के साथ आ की मात्रा सा, छ के साथ आ की मात्रा छा। ये थोड़ा सा डांसिंग छा है, कोई बात नहीं। छ के साथ आ की मात्रा छा। तो इसी तरह से अब हम निकालेंगे हमारी स्वर ज्ञान बुक का पेज नंबर 5। ये है पेज नंबर 3। पेज नंबर 5 हम निकालेंगे। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, जो पहला है आ की मात्रा, ये हमने पढ़ा था आ, आम वाला आ, ठीक है, और इसकी मात्रा है ये एक खड़ी लाइन। तो आप एक बार मैं बोलूंगी, फिर आप मेरे साथ एक बार और बोलना, ठीक है। क के साथ आ की मात्रा का। अब आप बोलिए, क के साथ आ की मात्रा का। ख के साथ आ की मात्रा खा। फिर से आप बोलिए, ख के साथ आ की मात्रा खा। खाना खाते हैं ना, उसको खा। ग के साथ आ की मात्रा गा। ग के साथ आ की मात्रा गा। हम गाना गाते हैं ना, तो ग के साथ आ की मात्रा गा। घ के साथ आ की मात्रा घा। आप भी बोलिए, घ के साथ आ की मात्रा घा। च के साथ आ की मात्रा चा। आप भी बोलिए, च के साथ आ की मात्रा चा। छ के साथ आ की मात्रा छा। मेरे साथ बोलिए, छ के साथ
आ की मात्रा छ, ज के साथ आ की मात्रा जा। आप कहीं मत जाना ठीक है, मैं आपको जाने को नहीं बोल रही। ज के साथ आ की मात्रा जा, ज के साथ आ की मात्रा झा, झ के साथ आ की मात्रा झा, ट के साथ आ की मात्रा टा। मेरे साथ बोलिए, ट के साथ आ की मात्रा टा, ठ के साथ आ की मात्रा था, ठ के साथ आ की मात्रा था, ड के साथ आ की मात्रा दा। आप मेरे साथ बोलिए, ड के साथ आ की मात्रा दा, ढ के साथ आ की मात्रा ढा, ढ के साथ आ की मात्रा ढा, त के साथ आ की मात्रा ता, त के साथ आ की मात्रा ता। आप बोल रहे हैं ना मेरे साथ साथ, जरूर बोलिए, मजा आएगा। थ के साथ आ की मात्रा था, कौन था, कोई भी नहीं था। थ के साथ आ की मात्रा था, द के साथ आ की मात्रा दा, दादाजी वाला दा है ये, द के साथ आ की मात्रा दा, ध के साथ आ की मात्रा धा, ध के साथ आ की मात्रा धा। साथ साथ बोलती रहिए, न के साथ आ की मात्रा ना, न के साथ आ की मात्रा ना, प के साथ आ की मात्रा पा, पापा वाला पा, प के साथ आ की मात्रा पा, फ के साथ आ की मात्रा फा, फ के साथ आ की मात्रा फा, ब के साथ आ की मात्रा बा, ब के साथ आ की मात्रा बा, भ के साथ आ की मात्रा भा, भ के साथ आ की मात्रा भा, म के साथ आ की मात्रा मां, मां नहीं है मां है, म के साथ आ की मात्रा मां, य के साथ आ की मात्रा या, य के साथ आ की मात्रा या, र के साथ आ की मात्रा रा, र के साथ आ की मात्रा रा, ल के साथ आ की मात्रा ला, ल के साथ आ की मात्रा ला, व के साथ आ की मात्रा वा, वा, व के साथ आ की मात्रा वा, श के साथ आ की मात्रा शा, 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 स के साथ आ की मात्रा सा। बोलते रहिए साथ में बच्चों, मुझे सुन नहीं रहा है, बोलिए बोलिए साथ में। स के साथ आ की मात्रा सा, ह के साथ आ की मात्रा हा, हा हा हा, हंसिए तो हा हा हा, ह के साथ आ की मात्रा हा, क्ष के साथ आ की मात्रा क्षा, क्ष के साथ आ की मात्रा क्षा, त्र के साथ आ की मात्रा त्र, मात्रा का त्र, त्र के साथ आ की मात्रा त्र, ज्ञ के साथ आ की मात्रा ज्ञा, ज्ञ के साथ आ की मात्रा ज्ञा। और आप सब ज्ञानी बनेंगे, ज्ञ से ज्ञानी होता है ना, ये सारी मात्राएं अगर आप पढ़ेंगे तो आप भी बहुत अच्छे ज्ञानी बनेंगे। आप पढ़िए इस पेज को, रिकॉर्ड कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसे सेंड करिए। इस वाली क्लास के लिए अभी इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।